जो मिल गया उसे खोया नहीं करते और जो हो गया उसके लिए रोया नहीं करते। स्वागत है बच्चों आप सभी का कैम्प्यूट पे, जिसे आप और हम मिलके बनाने वाले हैं, केमिस्ट्री का एक अनोखा इंस्टीट्यूट। तो आज बच्चों इस ओरिएंटेशन सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बैच जिसका नाम है रिवाइज सीरीज। एक तरीके से सीरीज ही है बच्चों, जिसका फाइनल मैच खेला जाने वाला है 15 जुलाई को, क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कि इस बार 12th का बोर्ड एग्जाम्स दिया था और किसी रीजन से जो कि उनके एक्सपेक्टेशंस थी वो मार्क्स वो अचीव नहीं कर पाए, है ना। तो उनके एग्जाम में फिर क्या है, एग्जाम में मार्क्स कम रहे और रिजल्ट में री एग्जाम देने को आया है, या कुछ चाहते हैं कि अभी सर हमें और स्कोर बढ़ाना था, हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो उन्हीं बच्चों के लिए सीरीज रहने वाली है, ठीक है। और इसका जो आइडिया था मैं कहूँ, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे सराउंडिंग्स में भी है जो ऑफलाइन हमसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम थी कि सर अब इतने कम समय में कैसे तैयारी करवाएं, तो वो लोग हमारे पास तक पहुंचे और कुछ लोग जो है वो नहीं भी रीच कर पाते हैं, तो एक ये अच्छा ऐसा माध्यम जो है उसको हम यूज करेंगे ताकि आप सब तक पहुंचा जाए और कंटेंट को कवर किया जाए। तीनों ब्रांचेस केमिस्ट्री की यहाँ पे कवर की जाएंगी, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। फिजिकल में आपके चैप्टर्स आएंगे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इसमें ज्यादा वेटेज रखता है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इधर ऑर्गेनिक में बात करूं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, सीथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस एंड बायो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे रिलेटिवली एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर की क्या होती है वेटेज ज्यादा होती है। और इनऑर्गेनिक के पोर्शन में दो चैप्टर आते हैं बच्चों, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये सारा हम लोग आने वाले 40 से 45 दिनों में कवर करेंगे और कंटेंट भी आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है उसके लिए सॉफ्ट कॉपी में अपलोड कर दिया जाएगा। और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनसे जल्दी से आप एमसीक्यू कर सकते हो, है ना, एक मिनट में आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, तो उसके लिए शॉर्ट्स अपलोड किए जाएंगे, आप उन्हें भी जाके देख लेना, ठीक है। तो आज से आपको तैयारी में लग जाना है, मैं तो यहाँ तैयारी करवाऊंगा ही, साथ में उतनी मेहनत आपको भी करनी है, डेली रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो काम दिया जाएगा वो भी करना है। तो जाते जाते आप लोगों के दो पंक्तियां हैं बेटा, रुकना मत अभी तो बहुत दूर तक जाना है, रुकना मत अभी तो बहुत दूर तक जाना है, और जो कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा उन्हें करके भी तो दिखाना है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं लेक्चर में आपसे।